अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नू 360। तो चैप्टर वही है जी, सॉल्यूशन एंड कोलाइड। और आज इस सिलसिले में हमारा तीसरा लेक्चर है, तो शुरू करते हैं जी। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। देखें जी, अगर हाइड्रोफिलिक की बात की जाए और इसके लिटरली यानी लफ्जी मायने देखे जाएं, तो इसका मतलब होता है लविंग। तो हाइड्रो मीन वाटर और फिलिक मीन लविंग। इसका मतलब है कि वाटर लविंग, और तुम्हें पता है मॉलिक्यूल तो है, तो वाटर लविंग मॉलिक्यूल। तो वाटर लविंग मॉलिक्यूल का मतलब ये होगा कि ये 100% मिजिबल होंगे। मिजिबल मतलब मिक्सिबल, ये किसी भी वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। तो इसकी तारीफ पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल देट आर मिजिबल विद वाटर आर नोन एज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल आप देख लें, मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनॉल, एसीटोन, एसिटिक एसिड, सच मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर आप देखें तो मिथेनॉल, एसीटोन और एसिटिक एसिड, ये सारे पोलर हैं। तो ये सारे पोलर सब्सटेंस हैं। और अगर दूसरी साइड पे आप देखें तो जो सॉल्वेंट होता है, तो हमारा सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, तो वाटर भी पोलर है, लिहाजा इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होगी और ये 100% मिजिबल होंगे। आगे इसी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, कहता है कि डिजॉल्विंग सॉलिड सॉल्यूट इन वाटर कॉमन है हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में। हम अक्सर जो है ना, वेजिटेबल, सब्जियां पकाने के लिए, मीट, पल्सेस वगैरह, दालें वगैरह पकाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें अक्सर नमक वगैरह डिजॉल्व करते हैं। तो ये जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूट्स के, चाहे आप चीनी ले लें, नमक ले लें या कोई और सॉल्यूट ले लें, वो एटम्स भी उसके हो सकते हैं, आयन या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट का मतलब क्या होगा जी? इंटरेक्ट का मतलब बाइमी अमल करते हैं विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और उसी का पार्ट बन जाते हैं आपस में, जिसी तरह सेम एज बॉन्डिंग बनाते हैं। जिस तरह प्योर वाटर की एज बॉन्डिंग होती है, तो सॉल्यूशन बनाने के बाद भी इनकी एज बॉन्डिंग इसी तरह होती है, लेकिन फिर वो सॉल्यूट के साथ एज बॉन्डिंग करते हैं। इसकी एग्जांपल है, व्हेन ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन वाटर, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, वाटर मॉलिक्यूल उसको तोड़ देते हैं और टोटली ग्लूकोज डिसॉल्व हो जाता है मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर आप ओशन वाटर को ले लें, तो उसमें क्या है जी, इसमें बहुत सारे सब्सटेंस हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह, क्या है ये 100% मिजिबल है। तो इन सारे मॉलिक्यूल को हम वाटर लविंग या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अब आप अगर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल की बात करें, तो हाइड्रोफोबिक का मतलब है जी डिसलाइकिंग, और हाइड्रो साथ है, फोबिक का मतलब डिसलाइकिंग और हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर डिसलाइकिंग। तो लिटरली इसकी यही मीनिंग है। तो इसका मतलब है कि जब ये वाटर को लाइक नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसमें मिजिबल नहीं होंगे। और जब मिजिबल नहीं होंगे, तो इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि जो इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, वो दोनों की अलग अलग है। वाटर की मॉलिक्यूलर फोर्स आपको पता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एज बॉन्डिंग है, जबकि बेंजीन, साइक्लोएक्सेन, ऑयल, ऑर्गेनिक फैट एट्सेट्रा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान लंदन डिस्पर्जन फोर्स है, लिहाजा इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के अलग होने की वजह से इनके दरमियान बॉन्डिंग नहीं होगी और ये मिजिबल नहीं होंगे।